झटपट बनने वाली चटपटी बेसन वाली हरी मिर्च, जिसे देखते ही खाने का मन करे। इतना अच्छा टेस्ट में बना है, एकदम चटपटा स्वाद में बना है। इसकी स्टफिंग बहुत अच्छी बनी है। आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे अब हम बनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनोरमा। कुक विद मनोरमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हमने मिर्च लिए हैं, इसे हम अच्छे से वॉश कर देंगे, हाथों से मसल कर एक से दो पानी अच्छे से हम इसे धो लेंगे और इसके ऊपर का सारा पानी हम पोंछ लेंगे किसी कपड़े से, या तो आप फैन के नीचे रखिए, इसका पानी हम सुखा लेंगे। मिर्च का पानी हमने सब पोंछ लिए है, इसे अब सेंटर में से हम कट लगाएंगे। पूरी तरह से पूरा कट नहीं करना है, सेंटर में कट लगाना है और इसके जो बी है इसे हम निकाल लेंगे। अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो। जितना निकल सकता उतना निकालेंगे, पूरा नहीं निकालेंगे। देखिए इस तरह से, स्पून से निकालेंगे तो भी निकलता है आसानी से। इससे क्या होता है, स्टफिंग अच्छे से भरी जाती है। सारी मिर्ची का भी हमने निकाल लिए है, देखिए इतना भी निकला है, इसे हम फेंक देंगे। कुछ मसाले हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने पाव चम्मच हल्दी पाउडर लिए है, आधा चम्मच धनिया पाउडर है और यहाँ पर हमने पाव चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिए है, क्योंकि हम हरी मिर्च का भी यूज़ करेंगे। और आधा चम्मच यहाँ पर हमने गरम मसाला लिए है और स्वाद अनुसार हमें नमक लेना है। यहाँ पर हमने आधा चम्मच नमक लिए है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पर एक हमने पैन रखे है, इसमें एक चम्मच हम ऑयल डालेंगे और ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल देखिए गर्म हो चुका है। यहाँ पर इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे, आँच को एकदम धीमा कर देंगे। यहाँ पर हमने बेसन लिए है 5 चम्मच, इस चम्मच से 5 चम्मच बेसन लिए हैं। बेसन डालना है और इसे अच्छे से हमें भुनना है, एकदम धीमी आंच पर हम भुनेंगे। इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं लेने देंगे, इस तरह से दबा कर इसे चलाते हुए भुनना है। इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी, तब तक हमें भुनना है। धीमी आंच पर इसे हम भुनेंगे। बेसन में से बहुत अच्छी खुशबू आती है और मसाला हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार होगा। इसकी हम स्टफिंग जब बनाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा खाने में। देखिए अच्छे से भुना गया है, बेसन में से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। इस वक्त हम इसमें मसाले डाल देंगे, जो मसाला हमने तैयार करके रखे थे उसे भी 1 मिनट हम भून लेंगे ताकि मसाला का सारा कच्चापन चला जाए। ज़्यादा नहीं भुनना है, 1 मिनट धीमी आंच पर भून लेंगे। देखिए अच्छे से सब भून लिए हैं। गैस को हम बंद कर देंगे और मसाला को हम किसी और प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसी में नहीं रहने देंगे। और पूरी तरह से मसाला को हम ठंडा होने देंगे। मसाला देखिए पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम खट्टेपन के लिए 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च कूट के लिए, 1/2 इंच अदरक है, 2 हरी मिर्च है, 7 से 8 कली लहसुन है जिसे हमने कूट लिए है। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारा मसाला हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छी स्टफिंग बनकर तैयार हुई है। हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत देखिए सूखा लग रहा है। आप इस वक्त इसमें तेल का भी यूज़ कर सकते हो, या तो फिर 1 से 2 चम्मच हम इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। इससे क्या होगा कि मसाले में बाइंडिंग आ जाएगी और अच्छे से मिर्च में हम मसाला भर पाएंगे। अगर आपको ज़्यादा दिन रखना है तो आप इसमें तेल का यूज़ करिए, फिर अदरक और लहसुन मत डालिए। थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए बस हमने इसमें पानी का यूज़ किया है। मसाला देखिए सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे हम मिर्च में भरेंगे, जितना आएगा उतना हम भर देंगे। ऐसे सारे हमें भरकर तैयार कर लेना है। थोड़ा सा हमने पानी का यूज़ किया है, देखिए कितने अच्छे से मसाला बैठ रहा है। स्टफिंग बहुत अच्छे से बैठी है इसमें, वरना निकल जाता, पूरा सूखा रहता तो निकल जाता। ऐसे ही सारे हम भरकर तैयार कर लेंगे।
मिर्च में देखिए हमने स्टफिंग भर लिए है। स्टफिंग हमारी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुई थी, सारी स्टफिंग इसमें भरी गई है। यहाँ पर हमने 2 चम्मच ऑयल रखे है, ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें हम मिर्च रखेंगे, जहाँ पर हमने स्टफ किए है उसको हमें मसाले को ऊपर रखना है। बाकी ऐसे करेंगे, आँच एकदम धीमा रखेंगे, धीमी आँच पर हम इसे फ्राई कर लेंगे। सारी मिर्च हम रख देंगे। मिर्च देखिए सब हमने रख दिए है, अब इसे ढक देंगे। कम से कम 2 मिनट धीमी आंच पर हम एक तरफ इसे पकने देंगे ऑयल में, इसके बाद हम चेक करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए, कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। 2 मिनट हो चुका है, हम चेक करेंगे। देखिए एक तरफ से मिर्ची अच्छे से पक गई है, हम पलट देंगे। ऐसे ही उलट पलट कर मिर्ची हमें अच्छे से पका लेना है, सब तरफ से पक जाए, क्योंकि स्टफिंग तो जो हमने भरे है मसाला वो पका हुआ है, उसको हमने भून के डाले हैं, सिर्फ मिर्ची ही पकना है, धीमी आंच पर पका लेंगे हम। जिस साइड का हमें लगे कच्चा है इस तरह से पलट कर पका लेंगे सब। मैं आपको याद दिला दूँ, आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही मज़ेदार नई नई रेसिपी के लिए। सारी मिर्च हमने पलट लिए है, अब ढक कर 3 से 4 मिनट और हम एक तरफ से पकने देंगे। इतने समय में मिर्ची अच्छे से सब तरफ से पक जाएगी, बीच बीच में से हम चेक भी करते रहेंगे। मिर्च देखिए सब तरफ से अच्छे से पक गई है, सिर्फ हल्का सा इसमें कसर बाकी है। इसी वक्त इसमें हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे, ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए इसलिए हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और बहुत ही कम इसमें हम नमक डाल देंगे। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट और हम ढककर पका लेंगे। इससे क्या होगा कि मिर्ची पर ऊपर कलर भी अच्छे से आ जाएगा, देखने में भी अच्छी लगेगी और खाने में भी अच्छा लगेगा। सिर्फ 1 से 2 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 मिनट हमने मिर्ची को पका लिए, पूरी तरह से मिर्ची देखिए सॉफ्ट हो गई है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर सर्व करेंगे। देखिए सुपर टेस्टी मिर्च, आप एक बार इस तरह से ज़रूर बनाएं, मुंह में पानी ला दे ऐसी रेसिपी है, खाकर दिल खुश हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ।